अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ, हाउ आर यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। लेट्स कम टू द लेसन। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 24। स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 3 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। एंटिल नाउ वी हैव रेड अबाउट द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया। टुडे वी विल स्टार्ट साउथ ईस्ट यूरोप। अब हम मुस्लिम कंट्रीज़ पढ़ेंगे, साउथ ईस्ट यूरोप, जनूब मशरिकी यूरोप में जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके बारे में। देर आर ओनली टू मुस्लिम कंट्रीज इन यूरोप। यूरोप में सिर्फ दो मुस्लिम ममालिक हैं, अल्बानिया एंड बोस्निया एंड हर्जेगोविना। बोस्निया एंड हर्जेगोविना आर नॉट टू कंट्रीज़। यहाँ पर बोस्निया एंड हर्जेगोविना एंड है बीच में, लेकिन आप ये ना समझें कि ये दो मुमालिक हैं, ये बेसिकली एक ही मुल्क का नाम है। बोस्निया एंड हर्जेगोविना आर नॉट टू कंट्रीज, ये दो मुल्क नहीं हैं। दिस इज द नेम ऑफ वन कंट्री, ये दर हकीकत एक ही मुल्क का नाम है। टर्की ऑल्सो हैज अ स्मॉल पोर्शन, ऑफ इट्स टेरिटरी इन यूरोप, बट इट इज काउंटेड एज एन एशियन कंट्री बिकॉज मोस्ट ऑफ इट्स लैंड लाइज इन एशिया। तुर्की का भी एक छोटा सा हिस्सा यूरोप में है, इसी साइड पर है, लेकिन तुर्की को जो है वो एशिया में ही काउंट किया जाता है, बिकॉज सारा जो तुर्की है या बड़ा हिस्सा तुर्की का जो है वो एशिया में है, सिर्फ छोटा सा हिस्सा जो है वो यूरोप में है, लिहाजा उसको जो है वो यूरोप में नहीं बल्कि एशिया में ही काउंट किया जाता है। तो साउथ ईस्ट यूरोप में सिर्फ दो मुस्लिम ममालिक हैं, अल्बानिया एंड बोस्निया हर्जेगोविना। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे वन बाय वन। अल्बानिया, द ऑटोमन रूलर्स ऑफ टर्की कॉन्कर्ड अल्बानिया इन द 15th century। तुर्की के जो सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान थे, जो तुर्की की सल्तनत का आगाज हुआ और उसके बाद सल्तनत उस्मानिया के ऑटोमन रूलर्स थे, हुक्मरान थे, उन्होंने अल्बानिया को फतह किया इन 15th century, 15वीं सदी में। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एक्सेप्टेड इस्लाम आफ्टर दैट। तो जब यहाँ पर ऑटोमन रूलर्स आ गए, टर्किश रूलर्स आ गए, तो उसके बाद यहाँ के ज्यादातर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। बट द लोकल कल्चर वॉज सप्रेस्ड बाय द कॉन्करर्स। लेकिन जो इलाकाई सकाफत थी, उनकी तहजीब, उनकी रिवायात, वो जो है वो इन फतह करने वालों की वजह से, इन टर्किश रूलर्स की वजह से, वो जो इनका अपना वहां के लोगों का जो कल्चर था वो खत्म हो गया। अल्बानिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द टर्क्स इन 1912। अल्बानिया ने तुर्कियों से जो आज़ादी हासिल की 1912 में, अलग हो गए एंड कन्वर्टेड टू कम्युनिज्म इन 1946। और इन्होंने सोशलिज्म, कम्युनिज्म जो है, यानी वो जो मजहबी और दीनी रियासत थी वो खत्म हो गई, बल्कि कम्युनिज्म जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया सिस्टम। कम्युनिज्म इज अ सिस्टम ऑफ लिविंग इन विच द गवर्नमेंट ओन्स ऑल इंडस्ट्री। कम्युनिज्म बेसिकली, जिसे सोशलिज्म भी कहा जाता है, इश्तराकियत का सिस्टम है, वो बेसिकली ये होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो तमाम प्रॉपर्टी जो है वो उसकी होती है। यहाँ पर उस सिस्टम में, उस गवर्नमेंट में, कोई भी शख्स इंडिविजुअली अपनी प्रॉपर्टी नहीं रख सकता। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वर अबॉलिश्ड इन 1967। जितने भी मजहबी इदारे थे अल्बानिया में, वो सारे के सारे खत्म कर दिए गए, तबाह कर दिए गए 1967 में, एज पार्ट ऑफ द कम्युनिस्ट रिफॉर्म्स। और वो उसका मकसद ये था कि ये, क्योंकि कम्युनिज्म यहाँ पर गवर्नमेंट बन गई है, तो उसकी इस्लाहात के लिए जरूरी है कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनको खत्म कर दिया जाए। बट वर रेस्टोर इन 1990, लेकिन 1990 में दोबारा नाफिज कर दिया गया, यानी वो जो चीजें या मजहबी तौर पर वहां पे सारा सिस्टम खत्म कर दिया था, वो 1990 में, 1990 में दोबारा से वहां पर एप्लीकेबल हो गया, दोबारा से नाफिज हो गया। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अल्बानिया इज अराउंड 3.5 मिलियन। अल्बानिया की जो कुल आबादी है वो 3.5 मिलियन है, एंड मोस्ट ऑफ इट वॉज मुस्लिम इन 1967। 1967 तक जो है ज्यादातर आबादी वो मुसलमानों की थी। द ऑफिशियल लैंग्वेज इज अल्बानियन, यहाँ की जो सरकारी जबान है, जो मुल्क का नाम है उसी से रिलेटेड,
अल्बानिया की जबान अल्बानियन है, विच इज ऑल्सो स्पोकन इन बोस्निया हर्जेगोविना, और यही जबान जो है वो बोस्निया में भी बोली जाती है। एंड द कैपिटल इज तिराना, यहाँ का दारुल हुकूमत जो है वो तिराना है। द इकोनॉमी ऑफ अल्बानिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड इंडस्ट्री। और अल्बानिया की जो इकोनॉमी है, मईशत है मुल्क की, वो सारी की सारी डिपेंड करती है ज़राअत पर, खेती बाड़ी करना, फसलें उगाना, और उसके साथ साथ माइनिंग। माइनिंग होता है कानकनी, यानी पहाड़ों में या जेरे ज़मीन जो मादनियात होती हैं उनको खोद कर ज़मीन से और उन मादनियात को निकालने का जो काम है वो माइनिंग कहलाता है। इसके साथ साथ इंडस्ट्री यानी सनतें और कारखाने लगाना, ये सारी चीज़ों के ज़रिए ही इस मुल्क की मईशत चलती है। ठीक है, नाउ बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना। बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूगोस्लाविया इन मार्च 1992 में। यहाँ पर से पहले यूगोस्लाविया की हुकूमत थी और वो हुक्मरान थे यहाँ पर, लेकिन बोस्निया में उन्होंने अपनी, बोस्निया हर्ज़ेगोविना ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया मार्च 1992 में यूगोस्लाविया से अलहदा होकर। एंड फेस्ड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ वॉर एज अ रिजल्ट, और उसका नतीजा ये निकला कि एक लंबे अरसे की जंग उन्हें का सामना करना पड़ा। पीस वॉज रेस्टोर्ड इन 1995, लेकिन फिर 1995 में यहाँ पर अमन कायम हो गया, आफ्टर विच द कंट्री स्टार्टेड डिवेलपिंग, और जब अमन कायम हो गया उसके बाद इस मुल्क ने तरक्की करना शुरू की। द टोटल को पॉपुलेशन इज ओवर 3.5 मिलियन, यहाँ की आबादी भी 3.5 मिलियन है, बिल्कुल सेम जैसे अल्बानिया में आबादी है 3.5 मिलियन, इसी तरह बोस्निया हर्ज़ेगोविना की आबादी भी टोटल 3.5 मिलियन है। 44% ऑफ विच इज मुस्लिम, यहाँ की तकरीबन 44% यानी 50% से कम अफराद जो है वो मुसलमान हैं। अदर रिलीजन्स इंक्लूड क्रिश्चियनिटी एंड ट्रेडिशनल बिलीव्स, लेकिन यहाँ पर और जो दूसरे मजाहिब हैं उनमें ईसाइत भी और उसके अलावा कुछ रिवायती अकायद भी हैं, यानी वो मुस्लिम से रिलेटेड भी कुछ अकायद हैं और दीगर मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ अकीदे के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। क्लियर, ये कंट्रीज हैं दोनों साउथ ईस्ट यूरोप के। अब हम आएंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है अफ्रीका। द मेजॉरिटी ऑफ इस्लामिक कंट्रीज आर सिचुएटेड इन अफ्रीका, मुस्लिम ममालिक की जो अक्सरियत है, बड़ी तादाद में मुस्लिम ममालिक जो है वो अफ्रीका में मौजूद हैं। मोर देन हाफ ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज गवर्न्ड बाय इस्लामिक स्टेट्स, इस बर्रे आजम का, इस कॉन्टिनेंट का आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो इस्लामी रियासतों पर मुश्तमिल है। द इस्लामिक कंट्रीज ऑफ अफ्रीका इंक्लूड इजिप्ट, लिबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया एंड मोरक्को इन नॉर्थ। अफ्रीका के शुमाल में ये वाले ममालिक हैं, कौन से, इजिप्ट, मिस्र है, लिबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया एंड मोरक्को, ये सारे मुस्लिम ममालिक अफ्रीका के शुमाल की साइड पे हैं। मोरितानिया, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी, आइवरी कोस्ट, माली एंड अपर वोल्टा इन द वेस्ट, और अफ्रीका के मगरिब में ये ममालिक हैं, कौन से, मोरितानिया, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी, आइवरी कोस्ट, माली एंड अपर वोल्टा, ये ममालिक जो हैं मुस्लिम ममालिक ये मगरिब में हैं। इसके अलावा नाइजर, नाइजीरिया, चाड, कैमरून एंड सेंट्रल अफ्रीका राइट इन द हार्ट ऑफ अफ्रीका, और ये जो ममालिक हैं नाइजर, नाइजीरिया, चाड, कैमरून एंड सेंट्रल अफ्रीका, ये बिल्कुल अफ्रीका के बीच में है, मिड में, इन द हार्ट ऑफ अफ्रीका। एंड सूडान, एरिटेरिया, सोमालिया एंड तंजानिया ऑन ईस्टर्न कोस्ट, और मशरकी साहिल पर ये ममालिक हैं, कौन से, सूडान, एरिटेरिया, सोमालिया एंड तंजानिया। ठीक है जी, ये टोटल जो है वो एरिया अफ्रीका का बताया है, और यहाँ पर ज्यादातर जो है वो मुस्लिम ममालिक अफ्रीका में मौजूद हैं। मोर देन हाफ ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट का आधे से ज्यादा हिस्से पर इज गवर्न्ड बाय इस्लामिक स्टेट्स, वो इस्लामी रियासतें मौजूद हैं और उनकी हुकूमत है। क्लियर, वन बाय वन अब यहाँ की कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इजिप्ट के बारे में। इजिप्ट, मिस्र, इजिप्ट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू बी सिविलाइज। मिस्र जो है वो अगर तहजीब के लिहाज से देखा जाए महजब तरीन ममालिक में, ये सबसे पहले ममालिक में, दुनिया के सबसे पहले ममालिक में शामिल है जो सबसे पहले सिविलाइज्ड हुए, महजब और तहजीब याफ्ता लोग थे।
एंड परहैप्स द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर ऑफ हिस्ट्री. और अगर तकरीबन तारीख के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये पहली अजीम तरीन एम्पायर सल्तनत रियासत थी. इट वॉज रूल्ड बाई द फैरोज हु वर बरिड इन ह्यूज टॉम्स कॉल्ड द पिरामिड्स. यहाँ पर जो हुक्मरान थे, बादशाह थे, उनको फैरो कहा जाता था. यानी हर जो भी शख्स जो है वो जब बादशाह बनता था तो उसको फैरो फिरौन कहते थे. हु वर बरिड, और अगर जब वो मर जाता था उसे दफनाया जाता था इन अ ह्यूज टॉम्स, ऊंचे ऊंचे जो मकबरे थे उनके अंदर, कॉल्ड द पिरामिड्स, उनको पिरामिड कहते हैं. आपने देखा होगा जो वंडर्स में भी शामिल हैं उनको, वो पिरामिड्स हैं और उन टॉम्स के अंदर इनके जो फैरोज हैं, जब ये बादशाह मरते थे तो वहां पर उनको दफन किया जाता था. देयर बॉडीज वर ममीफाइड एंड कैन बी सीन इवन टूडे इन द म्यूजियम्स ऑफ इजिप्ट एंड ब्रिटेन. इन बादशाहों की, फैरोज की जो बॉडी थी उसको ममीफाइड किया जाता था, यानी उनको ममी बना दिया जाता था. वो क्या चीज थी कि या तो उसको उसके जो बॉडी के ऑर्गन्स होते थे उनको निकालकर और बाकी जो ऊपर का सारा स्ट्रक्चर था उसके अंदर मसाले लगाकर उसको सेव कर दिया जाता था, या फिर और दूसरे तरीके से फुल बॉडी को मसाले लगाकर सेव करना, को हनूत करना जिसे कहते हैं, उस बॉडी को सेव कर लिया जाता था. और उनकी जो बॉडी है वो आज भी मिस्र के और बरतानिया के म्यूजियम्स में, अजायब घर में उनकी बॉडीज, उन फैरोज की जो है वो देखी जा सकती है. आफ्टर द एज ऑफ द फैरोज, फिरौन के दौर के बाद, यानी वो जमाना जब बादशाहों का खत्म हो गया, फैरोज का, फिरौन का खत्म हो गया, इजिप्ट वॉज विजिटेड बाय मैनी इन्वेडर्स हु एस्टैब्लिश्ड देयर रूल वन आफ्टर द अदर. जब वहां बादशाहों का, फिरौन का दौर खत्म हो गया तो इजिप्ट में कई हुक्मरान जो थे वो हमलावर हुए और उन्होंने यहां पर अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश की. दीज इंक्लूड द पर्शियंस, ग्रीक्स, रोमन्स, अरब्स, तुर्क्स एंड द ब्रिटिश. और वो कौन कौन से हुक्मरान थे जो यहां पर आए और इन्होंने कोशिश की? इनमें पर्शियंस थे, फारस से ताल्लुक रखने वाले. फारस कौन? ईरान. ईरान का पुराना नाम फारस था. फारस के जो हुक्मरान थे वो भी यहां पर हमलावर हुए और उन्होंने कोशिश की यहां पर हुकूमत बनाने की. ग्रीक्स थे, यूनान से आने वाले यूनानी लोग हुक्मरान भी आए और उन्होंने कोशिश की. रोमन्स आए, रोम के जो हुक्मरान थे हमलावर हुए, उन्होंने हुकूमत बनाने की कोशिश की. अरब्स भी आए, अरबों ने भी कोशिश की. तुर्क्स भी यहां पर आए एंड द ब्रिटिश और ब्रिटिशर्स भी. द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड इजिप्ट एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1922. लास्ट में इजिप्ट ब्रिटिशर्स थे और उन्होंने फिर ये इस मुल्क को एक आजाद रियासत के तौर पर डिक्लेयर कर दिया 1922 में. बट इंस्टॉल्ड किंग्स हु वर एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय देम. लेकिन ये भी उनकी एक तरह की चालाकी थी कि जब वो हुकूमत अपने तौर पर नहीं कर सके तो उन्होंने यहां पर इनको आजाद मुल्क के तौर पर डिक्लेयर किया, लेकिन यहां पर बादशाहों को मुकर्रर कर दिया, बादशाह बना दिए और फिर उन बादशाहों का कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में रखा. किंग फारूक द सेकेंड किंग ऑफ इजिप्ट, मिस्र का जो दूसरा बादशाह था किंग फारूक, वॉज ओवर थ्रोन बाय मिलिट्री लीडर्स इंक्लूडिंग जमाल अब्दुल नसर इन 1952. जो आर्मी के फौज का लीडर था, रहनुमा था, उसने जो दूसरा बादशाह था इजिप्ट का फारूक, उसको तख्त से उतार दिया, बादशाहत उसकी खत्म कर दी 1952 में. एंड इजिप्ट वॉज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक और डेमोक्रेसी द ईयर आफ्टर. और इसके बाद फिर मिस्र को एक जमहूरी मुल्क करार दिया गया, यानी बादशाहत वहां से खत्म हो गई और अवाम की मर्जी से हुकूमतें इलेक्ट की जाने लगी. इलेक्शन के थ्रू, वोटिंग के थ्रू अवाम अपनी मर्जी से नुमाइंदे पसंद करें और हुकूमत बनाए, और जो बादशाहत का दौर था वो यहां से खत्म हो गया. इसके बाद इट फॉट टू वॉर्स अगेंस्ट इसराइल इन 1956 एंड 1967. इजिप्ट ने इसराइल से दो जंगें लड़ी 1956 में और 1967 में. बट लेटर साइंड अ पीस ट्रीटी विद दैट कंट्री इन 1979. लेकिन फिर उसके बाद इसी मुल्क के साथ, यानी इसराइल के साथ, 1979 में एक अमन का मुआहदा, पीस ट्रीटी कर लिया कि आपस में जंग नहीं करेंगे और अमन से रहेंगे. द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इजिप्ट इज अराउंड 79 मिलियन. यहाँ की कुल आबादी इजिप्ट की, मिस्र की जो है वो 79 मिलियन है. अबाउट 90% ऑफ विच इज मुस्लिम, और यहाँ की 90% आबादी मुसलमान है. द रेस्ट आर क्रिश्चियंस एंड ज्यूज, और जो बाकी 10% है वो ईसाई हैं और यहूदी हैं.
द ऑफिशियल लैंग्वेज इज अरेबिक, यहाँ की जो सरकारी जबान है वो अरबी है, बट बर्बर इज ऑल्सो स्पोकन इन सम एरियाज, लेकिन कुछ इलाकों में जो है वो बर्बर जबान भी बोली जाती है. द कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज कायरो, और यहाँ का जो दारुल हुकूमत है वो कायरो है. इजिप्ट इज मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, बुनियादी तौर पर यह जरई मुल्क है, यहाँ पे खेती बाड़ी होती है, ज़राअत होती है. एंड इज इरीगेटेड बाय द फेमस नाइल रिवर, और यहाँ इसको सैराब करने का जो सिस्टम है वो सारा नाइल रिवर, दरियाए नील, वहां के पानी से सैराब किया जाता है. और ये आपको मालूम होगा शायद, हमने सिक्स में भी पढ़ा है, नाइल रिवर जो है वो दरियाए नील बेसिकली इजिप्ट के अंडर ही है सारा, और इजिप्ट की जो खुशहाली है वो टोटल डिपेंड करती है वो दरियाए नील की जो फर्टाइल वैली है जरखेज वादी की वजह से. यहाँ सारी प्रोस्पेरिटी खुशहाली जो है वो इस दरिया के बायस है. क्लियर? आज के लिए इतनी रीडिंग काफी है. आपको होम टास्क के लिए आप क्वेश्चन दे रही हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर देखें, OIC स्टैंड फॉर, ये कर लिया था, सुएज कैनाल भी कर लिया था. व्हाट डू यू नो अबाउट सऊदी अरेबिया, व्हाई इज इट एन इम्पॉर्टेंट कंट्री, क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, इसका आंसर आपको बुक पे मिल जाएगा, पेज नंबर 23 पे. पेज नंबर 23, सऊदी अरेबिया. इसका आंसर आप देखें, फर्स्ट लाइन, अरेबिया वॉज द सेंटर ऑफ अ वास्ट एम्पायर सून आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम. फर्स्ट लाइन करेंगे हम यहां तक. उसके बाद इसी पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन में आ जाएं, इन 1932 किंग अब्दुल अजीज, अ पावरफुल लीडर ऑफ द सऊदी फैमिली, कॉन्कर्ड द होल कंट्री एंड रीनेम्ड इट आफ्टर हिज फैमिली. रियाद बिकेम द कैपिटल सिटी. यहां तक होगा, और इससे आगे भी ये पूरा ही आएगा. जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, सऊदी अरेबिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यहां से शुरू होगा और ये पैराग्राफ पूरा हम लेंगे आगे तक. ठीक है, मक्का एंड मदीना, क्वेश्चन 4 का आंसर. क्लियर? फिर से देख लें, फर्स्ट लाइन आएगी, अरेबिया वॉज द सेंटर, यहां से शुरू होगा इस्लाम दूसरी लाइन तक. उसके बाद इसी पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन में आ जाएंगे, इन 1932 यहां से शुरू करेंगे, और यहीं से ऑनवर्ड सारा पैराग्राफ, यानी ये पैराग्राफ फर्स्ट खत्म होगा और अगला पैराग्राफ शुरू हो जाएगा, सऊदी अरेबिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, यहां से आगे पूरा आएगा. क्लियर? दिस इज योर होम टास्क. कॉपी में नोट कंप्लीट करें, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखें, और कोशिश करें कि साथ साथ इनको याद कर लिया करें. ठीक है, रिमेनिंग रीडिंग और एक्सप्लेनेशन हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे. अल्लाह हाफिज़.